हाय एवरीवन, आफ्टरनून लंच के लिए हम देखिए ये कुरकुरे एकदम लौकी के। लौकी को मैंने इस तरह काट लिया लौकी के, और ये मेरे पास स्पिनच है मलाबार स्पिनच, इसके पकौड़े बना रहे। तो उसके लिए मैंने ये एक बॉल लिया है। बॉल में ये एक कप हाफ कप बेसन लिया है, और ये थोड़ा सा हाफ मोल राइस फ्लोर है। तो ये मैं डाल रही हूँ उसमें, इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, गरम मसाला, अजवाइन डाल रही हूँ थोड़ा सा, अजवाइन डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल दिया, और नमक डाल देते हैं। तो ये मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से डाल। आप मेरे पास ड्राई मिंट के थोड़ा सा लीव्स है, तो ये ड्राई मिंट की उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें। तो अब हम इन सब का एक पेस्ट बना लेते हैं। पानी डाल रही हूँ, पहले इसको सूखा ही मिला लेते हैं आपस में। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाली है, इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत पतला नहीं करना है बैटर को, नहीं तो पकौड़े नहीं बनेंगे। हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसके पकोड़े बना के फ्राई करें। पकोड़े बनाने के लिए देखिए तेल गरम हो रहा है। ये मैंने इस तरह लौकी को मसाले में डिप कर लिया है, और ये तेल में हम छोड़ते जा रहे हैं। पकौड़े देखिए एकदम ब्राउन हो गए हैं, हम इसे निकाल रहे हैं प्लेट पे। इसी तरह मैं ये स्पिनच के पकौड़ों को भी इसमें डिप करके डाल रही हूँ। इसकी तो बनेंगे, पलट देते हैं। देखिए
हमारे स्पिनेच के और लौकी के पकोड़े देखिए इस तरह बन गए। अब मैं इसको प्लेटिंग कर दे रही हूँ। देखिए देखिए ये स्पिनेच के पकोड़े हैं। फिर से ये लौकी के थोड़े से और तो ये लौकी के और स्पिनेच के कुरकुरे पकोड़े बनके एकदम रेडी हैं। आई होप यू ऑल लाइक द सेम। Thank you so much.